हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बढ़िया होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो गाइस, आप जैसे कि मेरे सारी वीडियो में यही होता है कि आप मेरे थंबनेल को देख के इम्प्रेस हुए होंगे, तभी आप इस वीडियो में जानने के लिए आए होंगे कि आखिरकार की क्या चीज़ है, क्या हम जो टैबलेट ले रहे हैं वो हमारे लिए सही है या गलत है, या हम लेने की सोच रहे हैं वो हमारे लिए इतना बेनिफिशियल है या नहीं। सो गाइज़, बिना कोई देरी के मैं ये वीडियो शुरू करती हूँ। सो गाइज़, आप सब लोगों ने जब से मैंने फर्स्ट वीडियो गायनोवेदा की डाली थी कि मतलब कि कैसे गायनोवेदा यूज़ करें, कैसे जो भी उसके बारे में डाला हुआ था, कि तब से सब लड़कियों ने मुझसे, जो भी लेडीज़ हैं, सब ने यही क्वेश्चन पूछा था कि क्या दी गायनोवेदा टैबलेट लेने से PCOD ठीक होता है। तो खौफ सी बात है कि अगर वो एक दावा कर रहे हैं कि इससे PCOD ठीक होता है तो शायद होता होगा। और काफ़ी सारी लड़कियां मेरे उसमें कमेंट करती कि दी, सच में हम पे गायनोवेदा असर कर रहा है ना। अब मुझे नहीं पता कि वो उनके खुद के हैं या वो सच में अपना रिव्यू दे रहे हैं मुझे, तो आई होप कि वो अच्छे ही होंगे। तो मैं उन पर विश्वास करके कि हाँ, सच में इनका अच्छा असर होता होगा, बेनिफिशियल असर होता होगा। तो मुझे लगता है कि जो भी मेरे इसमें कमेंट करता है, शायद वो अपने ही बारे में जब वो यूज़ करते हैं वो चीज़ को, तभी वो हमें बताते हैं ये चीज़ें। तो मुझे तो लगा कि हाँ, शायद इससे होता है ठीक, है ना। तो मैं ये नहीं कह सकती कि नहीं होता, या मैं ये नहीं कहती कि प्रॉपर होता है। 50-50 चांस है किसकी बॉडी किस प्रकार से उस दवाई को कंज्यूम करके रिएक्ट कर रही है ना, वो उनकी अपनी बॉडी के हिसाब से होता है। तो मेरे साथ तो अभी ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया हुआ है। तो गाइज़, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन है किसी। सो गाइज़, एक कमेंट मुझे बहुत ज़्यादा लोगों ने किया होता है कि मतलब काफ़ी सारी वीडियो में मोस्टली वो कमेंट मेरा आता है, तो मैं उसके लिए अभी स्पेशली कि लोगों ने, बहुत सारी लड़कियों ने जो मैरिड होंगी, उनसे मुझसे पूछा था कि दी, क्या हम गायनोवेदा जो टैबलेट ले रहे हैं कि इसके दौरान हम कंसीव कर पाएंगे? तो हाँ, ऑफकोर्स आपके अगर पीरियड्स रेगुलर हो गए हैं और आपके पीरियड्स टाइम पे आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि मेरे पीरियड्स थोड़ा आगे पीछे मिस हो रहे हैं, तो आप एक बार चेक कर लीजिए। शायद मुझे, मैंने बहुत सारी गायनोवेदा की, मैंने एक नहीं, मैंने 1000 वीडियो देख दी, तो सब लोगों ने बहुत ही पॉजिटिव इसका रिजल्ट बताया कि गायनोवेदा से हमने कंसीव किया है, है ना। मैं ये नहीं कह रही कि प्रॉपर, हाँ 99% शायद, अगर ये नहीं, 50-50 चांसेस हैं, 50-50 मेरे हिसाब से तो 50-50 चांसेस हैं कि अगर आप गायनोवेदा की टैबलेट ले रहे हो तो उसके दौरान तक कंसीव कर सकते हो। और अगर किसी केस में आपकी कोई और प्रॉब्लम है, खाली PCOD नहीं है, आपको कोई और अदर प्रॉब्लम है, तो शायद मे बी, अब मैं इसमें आपको फुल कंफर्म नहीं कर सकती, 100% आप यही है, है ना। तो सो गाइस, एक क्वेश्चन है, क्या गायनोवेदा लेने से कोई साइड इफ़ेक्ट होता है? सो गाइस, ये एक होम्योपैथिक गोलियाँ हैं जो आयुर्वेदिक, है ना। तो इससे अभी तक मुझे तो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ, जो मैं अपने पर्सनल ऑनेस्ट रिव्यू दूँ तो मुझे अभी तक कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ। लेकिन किसी ने मुझे कमेंट में कहा था कि दी, मेरा ना इसे खाने से थोड़े फंगस की प्रॉब्लम हो गई थी, मतलब अगर मैंने ये दवाइयाँ ली थी तो मेरे फेस पर फंगस वगैरह हो जाते ना, चकटे, छोटे छोटे से चकटे हुए थे, या फिर मेरा वो एक्ने मार्क को जाते हैं ना, छोटे छोटे वो हो गए थे। क्योंकि अब मुझे नहीं पता कि उनकी बॉडी पे ये कैसा असर किया, और वैसे तो ऐसा कुछ हुआ नहीं अभी तक मैंने, क्योंकि 3 महीने मेरे हो चुके हैं कंप्लीट, तो मुझे अभी तक ऐसा कुछ लगा नहीं। बस थोड़ा वेट में ज़रूर लगा था कि मेरा वेट थोड़ा गेन हो गया था बस, और तो मुझे इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट लगा नहीं अभी तक, जो मैं अपना पर्सनल रिव्यू दूँ आपको। और किसी का मुझे ये नहीं पता कि किसी को इससे क्या वो हुआ है, लेकिन हाँ, मुझे कमेंट में थोड़ा कोई बहुत बुरे क्वेश्चन वो भी करता है कि हाँ दी, मुझे इससे ये प्रॉब्लम हुई है, और कोई अच्छी अच्छी बातें भी बोलता है कि हाँ दी, ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो मैं कह दूँ कि इसमें भी मुझे कोई आइडिया नहीं हो पा रहा अभी, क्योंकि जब तक मैं इसे यूज़ कर रही हूँ तब तक मुझे तो अभी फ़िलहाल ये सही। सो गाइस, एक क्वेश्चन और था कि गायनोवेदा टैबलेट लेने के बाद कितने दिन बाद हमें पीरियड आएंगी? तो अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो मैंने पूरा 1 महीना कंटिन्यूसली ये गोलियाँ खाई थी, 1 महीने बाद मुझे पीरियड आए थे, है ना, 17 फरवरी को मुझे पीरियड आए थे, क्योंकि दिसंबर में मुझे पीरियड्स हुए नहीं थे। तो जनवरी में मैंने पूरी ये गोलियाँ टैबलेट ली थी, जनवरी पूरा महीना मैंने ये टैबलेट ली, तो 17 फरवरी को जाके मुझे पीरियड्स हुए थे, वो भी सिर्फ 2 दिन के लिए। और उसके बाद फरवरी हो गया कंप्लीट, तो मार्च और अप्रैल, आज 12 तारीख है, तो आज तक मुझे डेट नहीं आई है, 2 महीने मेरे हो चुके हैं डिले हुए हुए। तो ये मुझ पर इतना ज़्यादा बेनिफिशियल असर नहीं कर रहा है, तो मैंने सोचा कि इसकी जगह किसी ने
तो ये, और एक किसी ने मुझे अच्छा कमेंट किया था कि दी मुझे ना ये गाइनोवेदा टैबलेट लेने के 82 डेज़ के बाद ही पीरियड आए थे, तो मुझे लगा कि हाँ शायद उनको भी शायद ये असर कर रहा है। और किसी का मुझे आया था, एक कमेंट और आया था किसी ने ना कि मुझे 1 महीने में शायद ने 2 बार पीरियड आ गए थे, तो क्योंकि उनकी तबीयत शायद कुछ ख़राब भी हो गई थी, तो कहते कि दी मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी बीच में जब मैंने गाइनोवेदा टैबलेट लेनी शुरू की थी शायद, या फीवर वगैरह नॉर्मल होगा तो कह सकते। तो उन्होंने बोला था कि मुझे 2 बार पीरियड हुए थे, वो भी उसके बता दूँ कि, तो वो कह रहे थे कि सुबह शायद 9 बजे से 12 बजे के बीच दौरान मुझे काफ़ी ज़्यादा फ्लो हो रहा है, उसके बाद मेरा फ्लो बिल्कुल लो हो जा रहा है। तो उन्होंने मुझे बताया कि 3 दिन तक मेरा ऐसी हाल रहा, तो मुझे तो ये दवाइयाँ बंद करनी पड़ेंगी। तो हाँ, जैसे अगर आपकी बॉडी को सूट नहीं कर रहे तो आप प्लीज़ इन्हें बंद कर दीजिए। और तो उन्होंने ही मुझे एक नमिया करके एक टैबलेट सजेस्ट की थी कि आप ये टैबलेट्स एक बार देखिए, क्या पता मैं भी इन्हें लेना चाहूँगी करके। तो उन्होंने मुझे बताया था कि हाँ, तो मैंने सोचा कि चलो मेरी अगर इस महीने मेरी ये टैबलेट्स ख़त्म हो गई तो मैं नमिया करके कुछ है, तो मैंने उसकी भी वीडियो काफ़ी सारी देखी है, तो वो भी मुझे अच्छा लगा। और किफ़ायती अफोर्डेबल भी है कि जैसे ये गाइनोवेदा टैबलेट्स हैं 1700-1800 की, वो शायद 350 के अराउंड ही है, मतलब 400 से कम ही है वो गोलियां, तो वो भी हैं 60 है वो एक टैबलेट्स में। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अगली बार उसे ट्राई करूँगी। मैंने काफ़ी सारे लोगों की वीडियो देखी, काफ़ी सारे उसका रिव्यू देखा, वो भी बहुत ही अच्छा आया था उसका, तो मेरे को चलो एक बार मैं उसे भी ट्राई करके देखूँगी। अभी मैंने 3 महीने तो इसे वेस्ट कर ही दिया है गाइनोवेदा पे, तो जैसे देखते हैं क्या होता है। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चन होंगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और बहुत सारे लोग मेरी वीडियो का इंतज़ार करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप मेरी वीडियो का इंतज़ार करते हो, फिर उसके बाद कमेंट करते हो, बहुत ही अच्छा अच्छा कमेंट करते हो, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट और सब्सक्राइब और लाइक करके भी अपना प्यार जता सकते हो। और सो गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो, और आई होप कि आपको मेरी वीडियो थोड़ी आपसे अच्छी लगी हो, जैसे आपने मुझे कमेंट किया थे, जिस हिसाब से आपने मुझे बताया था उस हिसाब से मैंने आपके जवाब दिए हैं अभी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।